एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम टू डायमेंशनल एरे का एक और एग्जांपल आपको करवा देते हैं। ये एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर सॉरी टू मैट्रिसेस। अर्थात दो मैट्रिक्स है हमारे पास, उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके हमें तीसरी मैट्रिक्स में स्टोर करना है और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो ये देखिए, सी प्लस प्लस में इसका प्रोग्राम लिखने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड का आइडिया मैं आपको दे देता हूं। तो इसमें जब हम दो मैट्रिक्सेस को आपस में करते हैं, गुणा करते हैं, तो गुणा का जो मैथमेटिक्स का इसका तरीका है तो वो ये है कि जैसे मान लो ये आपका पहले मैट्रिक्स का पहला रो है, ठीक है, और ये दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम है। इन दोनों को आपस में गुणा करके जोड़ेंगे। देखिए ये टू, ये टू और ये टू, ठीक है, ये आपस में यहां पर आ गया आपका टू एंड टू प्लस, फिर बाद में आपका ये थ्री और ये वन, ये आपका यहां पर आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये वन और ये सिक्स, ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहां पर आ गया। अब इन तीनों को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जब हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट इसका आएगा। इस प्रकार से ये फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से हमने पहला ये एलिमेंट तैयार किया है। लाइकवाइज हम अब दूसरा एलिमेंट जब तैयार करेंगे तो वो भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए दूसरा एलिमेंट कैसे आपका तैयार होगा। तो दूसरा एलिमेंट तैयार करने के लिए फर्स्ट रो, ठीक है, और पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, ठीक है, इससे आपका दूसरा आपका तैयार होगा। अब देखिए इसके अंदर ये टू, ठीक है, और ये थ्री, ठीक है, फिर उसके बाद ये थ्री और ये टू, ठीक है, ये साथ साथ देख लीजिए, ये रहा, ठीक है, फिर बाद में ये वन और उसके बाद ये थ्री, ओके। तो ये इस प्रकार से हमने दूसरा एलिमेंट इसका लिया है और इसका रिजल्ट हमारा ये आ गया। इसी तरह से अगर हमें तीसरा एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तो तीसरे एलिमेंट के लिए भी आप क्या करेंगे कि ये फर्स्ट रो पहली मैट्रिक्स की और इसका थर्ड कॉलम, इससे आपका तीसरा एलिमेंट तैयार होगा। जैसे टू और ये वन, तो टू ये वन यहां पर आ गया, थ्री और फोर, ये थ्री इंटू फोर, ये वन टू ये आ गया। इसके साथ जो रिजल्ट आया इनको एक सॉल्व करने के बाद तो ये आपका रिजल्ट यहां पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके साथ ये कार्य करेंगे, ठीक है। अब हमें दूसरी रो निकालनी है इसकी, तो इसमें दूसरी रो, ये दूसरी रो और फिर फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, फिर दूसरी रो अगले एलिमेंट के लिए सेकंड कॉलम, दूसरी रो थर्ड कॉलम, इस तरह से ये प्रोसेस आपका चलता चला जाएगा और फाइनल आपके सामने ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये नॉर्मल प्रोसेस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको सी प्लस प्लस के अंदर कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम मैट्रिक्स का डिक्लेरेशन करेंगे, तो तीन मैट्रिक्स हमने मैट वन थ्री बाई थ्री का, मैट टू थ्री बाई थ्री का, मैट थ्री थ्री बाई थ्री का हमने इसमें डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद सम
जो बीच में हमने तीनों एलिमेंट का सम करने के लिए, जो यहां पर आपको बताया ये वाला सम करने के लिए, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 6, ये कंबाइन जब करेंगे इसके लिए हमने यहां पर ये सम का वेरिएबल लिया है। आई जे और के, ये आपकी एरे की इंडेक्स काम करेगी। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए यानी फर्स्ट मैट्रिक्स को रीड करेंगे, मैट वन को, ठीक है। ये रीड करने का तरीका आपको पिछले प्रोग्राम्स के अंदर बताया हुआ है, सम ऑफ टू मैट्रिसेस हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड आपकी जो मैट्रिक्स है उसको रीड करेंगे। इसको रीड करने के बाद जो थर्ड हमारा जो मैट्रिक्स है, ठीक है, जो तैयार होगा, तो उसके लिए हम दो के बजाय कितने लूप चलाएंगे, तीन लूप चलाएंगे इसमें, आई जे और के, और सारी प्रोसेसिंग ये के लूप के अंदर होगी। तो इसके अंदर जो एलिमेंट आपको मैंने दिखाया था वहां पर ये वाला प्रोसेस, ये एक एलिमेंट का एट ए टाइम प्रोसेस करेगा। अर्थात ये देखिए, ये वाला जो एक एलिमेंट है, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 6, ये एट ए टाइम एक एलिमेंट का प्रोसेस है आप लोगों का। यहां पर ये होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस मैट ए आई के इंटू मैट टू के जे, ठीक है। तो ये पहले मैट्रिक्स का आपको पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, फिर बाद में पहली मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, पहली मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरी मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम, इस तरह से ये वन बाय वन करके आपका चलता चला जाएगा। जैसे ही जैसे जैसे एक एलिमेंट तैयार होता जाएगा, ये सम वैल्यू है ये रिस्पेक्टिव थर्ड मैट्रिक्स की एलिमेंट के ऊपर स्टोर होती चली जाएगी, ठीक है। जब ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम ये इस थर्ड मैट्रिक्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देते हैं। इसको डिस्प्ले कराने का तरीका है, ये भी हम सम ऑफ टू मैट्रिसेस में आपको डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को आपको C++ के अंदर करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो एक वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हमने जो किया है वो ठीक है। ये देखिए, ये प्रोग्राम है जो मैंने अभी स्लाइड के ऊपर आपको दिखाया, सेम टू सेम वही प्रोग्राम है, इसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया गया। फिर भी आप एक एक लाइन इसकी चेक कर लीजिए, ठीक है। मैं एक एक वन बाय वन करके स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं। इसके अंदर मैं आउटपुट में वैल्यू वही डाल रहा हूं जो प्रेजेंटेशन में दी थी, ठीक है, ताकि हमारा रिजल्ट है वो उसके बराबर सेम रहे, और जो डेमोंस्ट्रेशन है वो आप इसको बार बार देख सकें। ये देखिए, दोनों मैट्रिक्स में हालांकि वैल्यू सेम ही डाली हुई है ना, लेकिन इसका रिजल्ट आप ये देखिए, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप पावर पॉइंट के रिजल्ट के साथ कंपैरिजन कर लीजिए, और इसमें डिफरेंट वैल्यू भी डाल के आप कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, मैनुअल इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोग्राम हमारा ठीक है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना सीखा। उम्मीद है ये डेमोंस्ट्रेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। C++ में हम और प्रोग्राम लेके हाजिर होंगे आपके सामने, ठीक है। इसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।